सो गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट एंड वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने कल के वीडियो ब्लॉग में सभी स्टूडेंट्स के लिए एक एपिसोड एक सीरीज बनाने के लिए आपसे बोला गया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके रखा हुआ है। सो आज हम मिलते हैं आपको अपने पहले एग्जाम टिप्स एग्जाम गाइडलाइंस एपिसोड नंबर 1 में। सो माई डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है पहले एपिसोड में, ये हमारे टॉपिक फर्स्ट फाइव से लेकर टिल एग्जाम तक रेगुलर बेस में डेली मॉर्निंग 10 to 11 आपको एक ब्लॉग मिलेगा। सो आज के ब्लॉग में जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है कि पढ़ने की शुरुआत कैसे की जाए। जैसा कि आपको पता है ठीक 20 दिन बाद, ठीक 30 डेज बाद आप सबके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। सो आपके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर स्टडी की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि पूरे साल अभी तक आपने जिस तरह से स्टडी करी है वो एक तरफ है पूरा, अब एग्जाम के डेज में जैसा कि नेक्स्ट 20-30 डेज बाद आपके एग्जाम है, तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में मैं आपको कुछ ऐसी गाइडलाइंस दूंगा, कुछ ऐसे एग्जाम टिप्स दूंगा जिनको फॉलो करके डेफिनेटली आप अपनी स्टडी की बेहतर शुरुआत कर सकते हैं और एक बेहतर रिजल्ट की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला टिप्स मैं आपको दूंगा माय डियर स्टूडेंट कि आप आज से पहली तारीख से 1 फरवरी से उन सब्जेक्ट्स को और उन टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दें जो सब्जेक्ट जो टॉपिक्स आपको सबसे आसान लगते हैं, या जिन टॉपिक्स या जिन सब्जेक्ट्स को आपने मुश्किल समझकर आसान समझकर आपने ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना मुश्किल सब्जेक्ट्स और मुश्किल टॉपिक्स पे आपने लगाया था। सो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज से आप सबसे पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट तो पढ़िए ही पढ़िए, साथ में आप इजी सब्जेक्ट्स और इजी टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड चीज, अभी तक बच्चे स्कूल कॉपीज स्कूल नोटबुक को इग्नोर करके चलते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्कूल कॉपीज को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज जो स्कूल टीचर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, काफ़ी अनुभवी होते हैं, उन्होंने उधर तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल किया होता है। तो वो जो भी आपको उस स्कूल कॉपीज के अंदर जो भी उन्होंने क्वेश्चंस कराए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हैं, वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आजकल सरकारी स्कूल के बच्चों की बात करूं तो उन्हें CBSE के द्वारा भी सपोर्टिंग मटेरियल प्रोवाइड किया गया है जो आपके एग्जाम टाइम्स के ठीक 20-30 डेज स्टडी करने के लिए एक बहुत ही रामबाण साबित हो सकता है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सपोर्टिंग मटेरियल की स्टडी करना बहुत जरूरी स्टडी करें। नेक्स्ट, जो भी आपको स्कूल के अंदर या कोचिंग सेंटर्स, आजकल बच्चे कोचिंग्स जाते हैं, हर कोचिंग में आप जाते हैं आपको कुछ ना कुछ नोट्स प्रोवाइड करे होते हैं, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस के आपको नोट्स मिले होते हैं, उनको जरूर रिव्यू कर लें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर जिसे आप कहते हैं 10 ईयर्स सैंपल पेपर्स, उनके रिविजन उनको पढ़ना शुरू करते हैं। जिन सैंपल पेपर से आपको ये पता चल सकता है कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए ज़्यादातर टाइम, और वही क्वेश्चन इस बारी भी आपके एक्सपेक्टेड होते हैं कि आपके एग्जाम में आए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है स्टूडेंट, जब हमारा सिलेबस सेम है, बुक सेम है, बोर्ड सेम है, सब कुछ सेम है, तो पेपर चेंज भी नहीं होने वाला है, ओनली स्टूडेंट चेंज होने वाले हैं जो एग्जाम देने वाले हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या आपकी स्पीड प्रॉब्लम है। अभी तक आपने थोरली पढ़ा है, आपसे आपको एक टिप दूंगा कि आप जो भी स्टडी करें, जिस टॉपिक को भी पढ़ें, जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ें, उसको रिटर्न जरूर करें। उससे एक तो आपकी राइटिंग इंप्रूवमेंट होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपकी कुछ मिस्टेक्स में भी इंप्रूवमेंट आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, शायद आप में से कुछ बच्चे करते होंगे मॉर्निंग स्टडी, पर आप सबको एक सजेस्ट करूंगा कि आज से आप, अभी तक नहीं भी पढ़ते थे बट आज से आप मॉर्निंग स्टडी को अपने स्टडी में अप्लाई करें, क्योंकि मॉर्निंग स्टडी इज द बेस्ट की टू गेट सक्सेस। जो भी सुबह का पढ़ा होता है वो आपको ज़्यादातर लंबे समय तक के लिए याद रहता है और एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट उनको सही तरीके से एग्जाम पैटर्न के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले अपने टीचर्स की मदद से, सैंपल पेपर की मदद से, इंटरनेट की मदद से, या जिस भी ट्यूटर से आप पढ़ते हैं उनकी मदद से एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें और जो भी स्टडी करें वो अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पैटर्न ही करें। एंड सेकेंड चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट आया था कि सर हम पढ़ने तो बैठते हैं बट उसके थोड़ी देर बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या अपना कंसंट्रेशन नहीं बना पाते हैं। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा, इस ट्रिक को आप अप्लाई करके देखें, आपका रिजल्ट में जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस नजर आएगा।
आप सभी स्टूडेंट्स अपनी एक मार्कशीट तैयार करें और जहां पर भी आप स्टडी करते हैं या जिन जिन जगहों पर आपकी नजर दिन भर में ज्यादातर समय आपके जाती है, उस जगह पर अपनी उस सेल्फ मेड मार्कशीट को चिपका दें, जो कि आप चाहते हैं, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आप इस बार अपने क्लास से चाहते हैं, वैसी एक मार्कशीट तैयार करके आप अपने घर पे जहां पे स्टडी करते हैं वहां पे पेश कर दें। सब लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन दे दें कि मेरे इस बार ये मार्कशीट है, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, सभी को, जो कि जब भी आप डिस्ट्रैक्शन होंगे और जब आपकी नजर आपके मार्कशीट पे जाएगी एज अ गोल, वो आपका गोल ऑफ द ईयर होगा, उसको आप, वो आपको डिस्ट्रैक्ट होने से रोकेगा। और सेकंड, एक बहुत ही लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप रेगुलर बेस में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बुक्स है या मोटिवेशनल कोई वीडियोज है, कुछ भी पॉजिटिव जो आपको मोटिवेशन दे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करे, ऐसी चीजों को आप डेली बेस में जरूर अपनी लाइफ में एक 5-10 मिनट मोटिवेशन और पॉजिटिव के लिए भी जरूर लें। और एक रिक्वेस्ट एंड में करूंगा कि जिन जिन बच्चों ने परीक्षा पर चर्चा मोदी जी का जो एपिसोड 2 इस साल का था, वो जिन जिन बच्चों ने अभी तक नहीं सुना है, प्लीज उसे एक बार खुद अपने टीचर्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ एक बार अवश्य सुने। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड के।